लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से और बेहतर करने के लिए आज इंदौर पुलिस के मुख्यालय SP सूरज वर्मा ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान SP सूरज वर्मा ने अपने ट्रैफिक पुलिस के सभी पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर बस में सवार होकर रीगल चौराहे से ट्रैफिक व्यवस्थाएं जांचने हेतु दौरा किया। यह दौरा अधिकारियों ने रीगल से शुरू कर पलासिया चौराहा, विजयनगर MY चौराहे से होते हुए भवरकुआं, राजेंद्र नगर राव होते हुए सिमरोल तक किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने हर एक चौराहे को ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट पॉइंट को चिन्हित किया। आगामी दिनों में पुलिस इन चौराहों पर आने वाली हर एक समस्याओं को जल्द से जल्द सुधारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने साल का शुरुआत किया था ट्रैफिक वीक मनाकर। उसमें हम लोगों ने काफ़ी जागरूकता के अभियान चलाए थे। तो एक तो हम लोग वो फीडबैक भी लेना चाह रहे थे कि शहर में किस तरह से कितना परसेंटेज कंप्लायंस हो रहा है। इसके अलावा जो वेस्टर्न चौराहे हैं, कंजेशन वाले एरियाज हैं, स्ट्रीट पार्किंग की जो व्यवस्था है, उन सब में क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें हमारी ट्रैफिक की पूरी टीम, सभी SPs और DSPs और DIs आज हम लोग ज्वाइंट भ्रमण किए, और इसमें नगर निगम के भी जो अधिकारी जो ट्रैफिक से संबंधित काम देखते हैं वो भी हमारे साथ थे। और इसमें हम लोगों ने जो भी उसमें पॉइंटेड जो हमने एजेंडा अपने हम अगले 2-4 महीनों में हम लोग करेंगे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।